सारी गाड़ियां मेरी कोयले पे ही जा रही हैं। कितनी पढ़ाई गाड़ी है मैंने बीई करी है सिविल से, एमबीए किया है। देखिए मतलब? इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है भैया कि आदमी जीरो से हीरो हो जाए, हीरो से जीरो हो जाए, तो लेना बहुत आसान है लेकिन चलाना बहुत कठिन है गाड़ियों का। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ऐसे है, जैसे आपने अभी कोल माइन का जो लिया है ऑर्डर, वो लेना चाहे तो किस प्रकार से ले सकता है? पूरी गाड़ी एसी है मेरी, अच्छा, आपकी सारी भी गाड़ी पूरी एसी है, एसी है। एसी है। एक गाड़ी पे आप कितना दे देते हो महीने का ड्राइवर को? लगभग लगभग ट्रिप एक एक मोटा से मोटा 90,000 रुपये महीना जाता है एक गाड़ी पे। खरीद रहा हूँ नहीं, मैं 4 गाड़ी और खरीद रहा हूँ अभी अगले महीना। 4 गाड़ी और, हाँ 4 प्राइमा ले रहा हूँ माइंस वाली। तो 4 दुनी 8 गाड़ी। और वहां पे कितना का एग्रीमेंट हुआ, मतलब डीजल वीजल सब उनका निकाल उल के कितना बचेगा आपको महीने का वहां पे हाँ महीने का 4 से 5 लाख एक गाड़ी पे? एक तो गाड़ी पे। गाइस, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर ऑन रोड विद सुमित में। आज हूं गाइस मैं भोपाल में, और भोपाल में मेरे साथ है टाटा के टिपर, एक नहीं 4 प्लस। आज ड्राइवर से बात नहीं करेंगे, आज सीधे बात करने वाले हैं चारों टिपर के मालिक से। तो गाइज, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अतुल भाई से, जो है भोपाल के पास बेरसिया से, और ये जो है अपना बिजनेस जो है टिपर का चलाते हैं। कैसा क्या चलाते हैं, टोटल शुरू से लेके आखिरी तक इनकी क्या कहानी है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको गाड़ियों को दिखाता हूँ। तो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, टिपर हैं अपने अतुल भाई के पास, टाटा की सिग्ना केबिन के साथ। टायर से यदि बताऊं तो चारों गाड़ी के 12 टायर हैं, तो टोटल 4 गाड़ी के मालिक, और चारों गाड़ी गाइस BS6 है। गाड़ियों को आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो भाई की गाड़ी का है RJ17। तो भोपाल के होके RJ17 नंबर क्यों लिया, कैसे इनकी कहानी, चलो बात करते हैं। तो अतुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आप आए बताएं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कब से जो है इस ट्रक लाइन में है? मैं 2016 से सप्लाई का काम था मेरा, गाड़ियां मार्केट की आती थी मेरे पास, अच्छा। बुधनी की भोपाल की कुछ, तो गाड़ियां खाली करवाता था। फिर 2020 से मैंने गाड़ी खुद की गाड़ी बनाई है। जब मेरे पास 2 छोटी गाड़ी थी 10 टायर, इसके बाद फिर मैंने 22 में 12 टायर ली, फिर 23 में 12 टायर ली। अतुल भाई, आपने कभी खुद गाड़ियों को चलाया है इनको? हाँ मैंने चलाया ना, अच्छा, खुद ड्राइवर भी रहा, मतलब मैं खुद गाड़ी चला लेता हूँ। कब कब कितने साल तक चलाया? अभी तो मतलब भाई देख के अभी लगता है आपको, आप ट्रक ड्राइवर और काम नहीं करते, एक ट्रक नहीं, ड्राइवर क्या है अलग ही कि कभी पहचान ड्राइवर जाता नहीं आता, छुट्टी पे रहता है तो मजबूरी में फिर अपन को ही लेके जाना पड़ता है गाड़ी भरने के लिए। कहीं ऑर्डर आ गया अपने पास, है। अच्छा ऑर्डर निकल गया तो। अच्छा, तो बेसिकली इन ट्रक से आप सप्लाई क्या करते हैं वो बताएं थोड़ा। सप्लाई का काम है रेत गिट्टी मुरम कोपरा कोपरा। रेत गिट्टी मुरम कोपरा, इसी चीज को। हाँ अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ कोरबा के बारे में बता रहे थे, क्या था वो थोड़ा सा बताएं। कोरबा में क्या है भैया, मैंने कोयल्स का काम लिया कोयले का, तो वहाँ 3 साल का काम है कोयले का, तो सारी गाड़ियां मेरी कोयले पे जा रही हैं। कोल माइंस पे? हाँ कोल माइंस पे। तो चारों गाड़ियों को आप वहां हाँ अटैच चार करने गाड़ी वाले? सारी मेरी वहीं अटैच कर रहा हूँ। कैसे, क्या लाइन बन गई वहां की? वहाँ 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है मेरा, तो वहीं जा अच्छा, रही है सारी गाड़ी चल। गवर्नमेंट टेंडर वगैरह कुछ ऐसा हाँ है? गवर्नमेंट टेंडर है, साथ में मैंने अभी एक प्राइमा भी ली हुई है एक प्राइमा, महीने टाटा पहले, प्राइमा हाँ प्राइमा, टाटा प्राइमा माइंस वाली गाड़ी ली हुई है, वो भी वहीं चल रही है। तो टाटा से अलग ही प्यार है, इसका क्या कारण है ये बताएं। टाटा का क्या है कि सर्विस भी अच्छी है अच्छा, और पावर भी अच्छा है टाटा का। उसके अलावा कोई और गाड़ियां ट्राई करी नहीं आपने कभी, टाटा के भारत अलावा बेंज कोई वगैरह? कोई गाड़ी ट्राई नहीं करी, मैंने सुना भारत बेंज ज्यादा पावरफुल है टाटा से, कभी कभी एक ऐसा आध सोचा बार? भी नहीं भारत बेंज लेने का। टाटा जो है वो सूट हुई है, वो टाटा ही रखेंगे आगे तक। गाड़ियों में मतलब काम वगैरह किस हिसाब से निकल रहा है अभी आज के डेट कोई में? टाटा में क्या है, नई गाड़ी तो जीरो मेंटेनेंस रहती है, अच्छा, टाइम टू टाइम कितने सर्विसिंग। कितने साल हो गए इन्हें लिए के? गाड़ियों को लगभग लगभग कुछ गाड़ियों को 1 साल हुआ है, ओ 30 लगभग लगभग 30 महीने हुए कुछ गाड़ियों को। 1 साल, कुछ को 30 महीने, हाँ मतलब 1-2 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी पुरानी नहीं गाड़ी है, नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल। 2.5 साल इसके अलावा और कुछ काम किया है आपने पहले? पहले सप्लाई का काम था मेरा, सेलिंग का, मार्केट अच्छा, की गाड़ी ऐसे आती थी। ब्रोकर वर्क करते हाँ थे आप? ब्रोकर वर्क था मेरा, मार्केट की गाड़ी आती थी मेरे पास खाली होने, कुछ मोटर मालिकों की, और फिर उसके बाद आपने खुद सोचा का कि गाड़ी यार था मेरे। आप इसी काम में मतलब प्रॉफिट हाँ है। उतरे हैं तो सब अपना पूरा करो काम अपना। अच्छा, कोई बंदा यदि स्टार्ट करना चाहे इस टाइप का बिजनेस, तो कितना इन्वेस्टमेंट उसको लगना लगेगा देखिए मतलब? इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है भैया कि आदमी जीरो से हीरो हो जाए, हीरो से जीरो हो जाए। क्या है कि काम स्लो स्लो उठता है इसका, और बाकी गाड़ियां हैं ले 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 आदमी चाहे तो, लेना बहुत आसान है लेकिन चलाना बहुत कठिन है गाड़ियों का। वो तो ऐसा है कि भाई साहब, जितना आपकी गुंजाइश हो नुकसान करवाने की उतना पैसा लगा लो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक मिनिमम गाड़ी का। एक गाड़ी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट गाड़ी का है 8 से 10 लाख रुपए।
अच्छा, उसके बाद तो ऊपर का लोन हो जाता है। ऊपर का लोन हो जाता है। अच्छा, गाड़ियों की लाइन कैसे क्या मिलती है इसमें? गाड़ियों की लाइन क्या है कि शुरू से अपना सप्लाई का काम रहा तो ऑटोमेटिक लाइन है अपने पास बनी हुई, गाड़ियां आती हैं, खाली हो जाती हैं। तो कुछ स्टोन क्रेशर वगैरह खुद का आपका भी नहीं है? कुछ नहीं है, तो सब दूसरों के, सब दूसरों से माल उठाते हैं, डंप कर देते हैं। आप सिर्फ ऑर्डर बुक कर रहे हो? ऑर्डर बुक करते हैं। अच्छा, गाड़ियां अपनी लगभग कितनी चल रही हैं आज की डेट में, एक दिन में या एक महीने में? अपनी गाड़ी तो भैया क्या है कि 12 महीने में तो रेलवे सेक्टर नहीं चलता, हवाई सेक्टर नहीं चलता 30 दिन, तो 25 दिन 20 दिन 25 दिन परमानेंट गाड़ी चलती है अपनी। कोशिश तो ये करते हैं कि अपन 30 दिन पूरे चलाएं गाड़ी को। और गाड़ियों की किस्त वगैरह कितनी जा रही? किस्त लगभग लगभग गाड़ियों की जाती है 1.5 लाख रुपए, 1.30-1.40 के समथिंग जाती है एक गाड़ी की। हाँ, एक गाड़ी। और गाड़ी छोड़ कितना रही है महीने में? गाड़ी महीने में 4 लाख-5 लाख रुपए तक छोड़ देती है। जैसे घर से आप काफी संपन्न लग रहे हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट था इस चीज में? नहीं, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। ज्यादातर ड्राइवर से या ज्यादातर ट्रांसपोर्टर से, अभी कल ही मैंने कुछ लोगों से बात करी, यार काफी दुखी रहते हैं इस काम को करके कि भाई साहब हम तो बर्बाद हो गए, इतना टैक्स लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी गाड़ियां खराब कर रही है दिमाग, तो कभी ड्राइवर दिमाग खराब ये कर क्या है ना। आपके साथ कुछ ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या है ना, ये वो है जो चले तो चांद नहीं तो रात। अच्छा, चल गए तो आप चांद तक जाएंगे, नहीं चले तो आप रात तक ही रहेंगे, ऐसा है। तो आप मतलब अभी ड्राइवर्स को कितनी क्या सैलरी दे रहे हैं? ड्राइवर भत्ते पे रहते हैं मेरे पास, सैलरी नहीं देता मैं उनको। 24 घंटे में 3,000 रुपए भत्ता देता हूँ। अच्छा, 24 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलानी? हाँ, कंटिन्यू गाड़ी, चाहे दो लोग आ जाओ, चाहे दो लोग आ जाओ, चाहे एक लोग आ जाओ। एक चक्कर लगता है होशंगाबाद से, चक्कर लगा दें या जो भी चक्कर हो, वो 24 घंटे का बना। फिलहाल चार गाड़ी पे आपका महीने, मतलब एक गाड़ी पे आप कितना दे देते हो महीने का ड्राइवर को? लगभग एक मोटा मोटा 90,000 रुपए महीने जाता है एक गाड़ी पे, एक ड्राइवर को। मतलब एक ड्राइवर की इतनी अर्निंग होती है, अगर चलो खर्चा वानी निकाल के भी मतलब 50,000 तो आराम से बचा रहा हो। आराम से। जब ड्राइवर को आप इतना दे रहे हैं तो आप खुद कितना कमा रहे होंगे इस बिजनेस से? जो लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं यार बेकार काम है, परेशान हो जाओगे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब ये अधिकारी क्या होता है ना भैया, सब मैनेज करना पड़ता है, काम को करना पड़ता है। परेशानी तो ऐसी है कि रोड पे मिल जाती चलते चलते, बगैर परेशानी के कोई काम ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई आपने कितनी? पढ़ाई मैंने बीई करी है सिविल से, एमबीए किया है। अच्छा, बीई करी है। हाँ, और एमबीए किया? एमबीए भी किया। तो आपने कोई जॉब वॉब नहीं करी? जॉब वगैरह में मन नहीं लगा, जॉब में मन ही नहीं लगा, सीधे बिजनेस ही करना था। और आज बिजनेस से अपने आप में खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ यार, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। बिजनेस क्या है कि अपने मर्जी का है, जब चलना जब चलाना, जब नहीं चलाना जब खड़ा कर देना। गाड़ी चलाना कैसे सीखे थे आप? गाड़ी चलाना क्या है, सप्लाई थी तो ड्राइवरों के साथ बैठ के जाते थे खाली करवाने, तो धीरे धीरे सीख गए। बोल दिया उस्ताद से दो यार, हाँ, थोड़ा दो चला के देखते, हाँ, संभाल लेना। तो आज तो बाकी कार वार चलाना तो आता, कार वगैरह सब चला। वैसे हेवी लाइसेंस होगा? हेवी लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, है आपके पास इमरजेंसी के लिए, वो भी करवा के रखा है। अच्छा, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी ये बताएं? फ्यूचर का ये है कि भैया रेत का काम बंद हो गया, रेत का काम करेंगे नहीं। क्यों बंद हो गया? कोरबा जा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ के पास में, कोल माइन। हाँ, कोल माइंस में, तो कोल माइंस का पूरा काम करूंगा। एक तो चार गाड़ियां ये हो जाएंगी, और अभी आप बाकी हैं मेरे मित्र वगैरह, उनकी भी गाड़ियां जा रही हैं। उनकी भी गाड़ियां टोटल आपकी, आपकी कितनी गाड़ियां जा रही हैं? टोटल जा रही हैं 12 गाड़ी जा रही हैं मेरी, मतलब खुद की कंपनी से। आपकी कंपनी से? हाँ, मेरी तो पूरी जा रही है चारों। उसके बाद आप खरीदने भी तो वाले? खरीद रहा हूँ मैं, चार गाड़ी और खरीद रहा हूँ अभी अगले महीना। चार गाड़ी और? हाँ, चार प्राइमा ले रहा हूँ माइंस वाली। अच्छा, माइंस वाली, तो चार दुनी 8 गाड़ी। और वहाँ पे कितना का एग्रीमेंट हुआ है, मतलब डीजल वीजल सब उनका निकाल उल के कितना बचेगा आपको महीने का वहाँ पे? हाँ, महीने का 4-5 लाख रुपए एक गाड़ी पे? एक गाड़ी पे? एक गाड़ी पे। भाई साहब काम अच्छा है, 5 साल का काम है, अभी 3 साल का तो वर्क ऑर्डर हुआ है। पर डे मुझे 10,000 टन माल फेंकना है कंपनी में, तो वो कम्प्लीट होने के बाद फिर क्या है कि पूरा काम सेट है हमारा, और अब आगे देखते ऊपर वाले की क्या मर्जी है। हाँ सही है भाई, ये काम ऐसा है कि जहाँ अगर नुकसान हुआ, गाड़ी में कुछ हुआ, तो किस्मत पलट के देर नहीं लगती। मेरा छोटा भाई था मेरे साथ काम करता था। अच्छा, वो एक्सीडेंट में शांत हो गया था गाड़ी के? हाँ, 2000 नहीं, वो कार से 2022 में, तो उसी के नाम पे चलती मेरी गाड़ी, अमोक के नाम पे। अमोक ट्रांसपोर्ट? हाँ, अमोक। अमोक देख सकते हैं कहाँ, अमोक ये लिखा हुआ है, अमोक ऊपर अमोक लिखा हुआ है गाड़ियों पे, ये देख सकते हैं गाइस, अमोक वगैरह। और गाड़ियों में मतलब ये ग्राफिक का काफी काम करवा रखा है, ये आपका पर्सनल शो? ये मेरा पर्सनल शो।
अच्छा खुद का शौक है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी फ्रेश रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा थोड़ा सा ट्रक के बारे में अपन बात करते हैं, तो कितना लोड इसमें जाता है? इसमें भैया लगभग लगभग आ जाता है 50 से 52 टन वजन। 50 से 52 हाँ। टन। अब रेत, जैसे रेत की बात कर लें तो वो तो एक फिट में जाती है। हाँ, रेत फिट उनमें में तो वजन वजन का कोई वो रेत वजन से भी जाती है। अपना भोपाल जिला और विदिशा जिला खाली होता है अपना इसमें फिट में, बाकी राजगढ़ जिला, गुना, अशोकनगर, बीनागंज, चाचोड़ा, बाकी इस क्षेत्र में जाती टन से गाड़ी, वहाँ टन से हाँ, जाती टन है। तो इसमें फिट के हिसाब से बताया जाए तो कितना इसमें माल 1200 आता है? फिट माल आ जाता है। 1200 फिट आ जाता है इसमें। आजकल एक चीज और सुनने में आ रही कि जैसे BS6 गाड़ियां उनमें एक DEF फ्लूड करके एक एक्स्ट्रा खर्चा जो आ गया है वो डलता है। कई लोग क्या करते हैं भैया कि कंपनी से उस चीज को बंद करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? आपको है जानकारी कभी कुछ? बंद करवाने से क्या होता है ना, इंजन की पावर कम हो जाती है। जब पावर कम, हाँ, लोड गाड़ी थोड़ा सा कम लेने लगती है, डीजल थोड़ा ज्यादा लेने लगती है, कुल मिला के बात वहीं बैठती हाँ है। वो वहीं बैठती है। अच्छा, गाड़ी का क्या, माइलेज में थोड़ा असर आ जाता है, लोड में थोड़ा सा असर आ जाता है गाड़ी का। अच्छा अब तो जैसे आप नए केबिन लेने वाले हो, अभी आजकल नितिन गडकरी जी ने ऐसा रूल बना दिया कि जितने भी नए ट्रक्स हैं अब बिना AC के नहीं आ सकते। नहीं, पूरी गाड़ी AC है मेरी। अच्छा, आपकी भी सारी गाड़ी पूरी AC है? AC है। अच्छा, और ये केबिन वगैरह पूरे एयर पूरा एयर कंडीशन है? कंडीशन है। क्या बात कर रहे हो, 2 साल पहले भी आपने AC गाड़ी चूज गाड़ी करी ली है? सबसे पहले गाड़ी मेरी ये थी 9654, ये भी AC है। ये 10/26 भी AC है मेरी, वो भी 9654 AC है। देखिए गाइस, वो जो गाड़ी खड़ी है वो भी इनकी है सारी और एक गाड़ियां, इधर भैया खड़ी हुई है। हाँ ये खड़ी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई है मेरी, सारी गाड़ी AC है। अच्छा, ये पार्किंग जैसे यहाँ पे आपने करी हुई, इसका क्या चार्जेस लगता है? इसका 75 रुपये पर डे का है। 75 रुपीज पर डे का? और महीने में कितने दिन खड़ी रहती? तो 4-5 दिन? महीने में खड़ी नहीं रहती। अब ड्राइवर आ रहे हैं, अब जाएंगी चलने। अच्छा, आप भी चली जाएंगी हाँ अभी आज? चली जाएंगी। आज क्या रेत लेके आएंगी? नहीं अभी क्या है कि कोपरे का ऑर्डर है अंदर सिटी का, कोपरा अच्छा, मुरम का, तो मुरम पे जाएगी अभी। तो रेत वेत का काम अभी बंद हो हाँ गया? मेरा खुद मुरम का भी, खुद की खदान लीज भी है। अच्छा अच्छा कोई व्यक्ति अगर ऐसे जैसे आपने अभी कोल माइन का जो लिया है ऑर्डर, वो लेना चाहे तो किस प्रकार से ले सकता है? कुछ उसका वर्क ऑर्डर है, ऊपर से बड़ी फॉर्मेलिटी होती है साथ में। अच्छा, उस टेंडर वगैरह हाँ निकलते हैं टेंडर उसके निकलता है प्रॉपर, उसमें, फिर ऊपर से क्या सोर्स वगैरह चाहिए। कोई लाइसेंस वगैरह लगता है क्या उसका? हाँ है लाइसेंस लगता है ना ठेकेदारी वो का। ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्टर का हाँ लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर बनता का है तो वो लाइसेंस लगाना लगता है उसमें। पड़ता है, और फिर अपना GST-VST वगैरह, और एक टेंडर का एक मिनिमम सिक्योरिटी हाँ डिपॉजिट सिक्योरिटी होता है डिपॉजिट होती है उसमें। वो दो। उसके बाद क्या आपने अमाउंट बताया पर गाड़ी का, अगर जो सबसे कम लगता है वही आपको टेंडर उसमें एक दे अपन देते को हैं? समय दिया जाता है कि पर डे अपन को 10,000 टन या 5,000 टन माल ऊपर डम करना है खदान से लाके, अच्छा, और नहीं और नहीं हुआ हुआ तो तो फिर अपना उसमें पैसा चार्ज का कटेगा? पैसा काट देते हैं। ये है वहां पे। तो चलो, कभी अगर मौका लगा तो आपके साथ कोरबा चलेंगे और बिल्कुल कोल माइन देखेंगे अपन, और कैसा वहाँ का काम रहता है, कैसी गाड़ियां चल रही है। वैसे तो भाई ट्रक जो है टाटा के अपने आप में काफी जानदार होते हैं, और किसी भी माइन में और किसी भी मतलब ऑफ रोड में मजाल है जो इनको रोक दे। बहुत ही ज्यादा अगर स्थिति खराब होगी तभी ये गाड़ी रुकती है। कमिंस का इसमें इंजन आता है 7000 CC का लगभग, और इतना पावरफुल इंजन, इतना पावरफुल इंजन अशोक लीलैंड वगैरह भाई दूर दूर तक इसके नहीं लगती है। बाकी माइलेज वगैरह कुछ नॉलेज है आपको कैसा? माइलेज खाली गाड़ी देती है 3-4 का, भरी गाड़ी 2 का, 2.5 का, 2 का, 2.5 का, 1 का भी देती है ज़्यादा लोड हो तो। 1 तक चला जाता है? अच्छा, और इनमें जैसे क्राउन राउन टूटने की समस्या कभी कुछ आई क्राउन तो नहीं वगैरह ओवरलोडिंग के हिसाब से क्राउन वगैरह कभी कभी शिकायत आ जाती है क्राउन में, ऑयल आपके साथ वगैरह। आई है? हाँ ऑयल वगैरह चेक नहीं हुआ, बाकी कंपनी देती है सर्विस उसकी, क्राउन टूटने की भी सर्विस देती है कंपनी देती है, अगर ओवरलोड हुई तो नहीं देगी? अब दे देती है कंपनी, मतलब वारंटी में रहती है गाड़ी 5,000 घंटे या 1 साल, ऐसा कुछ समय रहता है, 25-25.5 साल का समय वो नहीं देती है। देखते फिर लोड वोड? नहीं लोड वगैरह नहीं देखते। अच्छा, जो अभी आप लेने वाले हैं 4, थोड़ा सा दूसरी कंपनियों को भी मौका दो यार भाई। मतलब क्या टाटा ही टाटा नहीं लेना क्या है? है कि मैं आपको बताऊं, मेरा विचार था वोल्वो लेने का। वोल्वो? हाँ वोल्वो का, वोल्वो का क्या है थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ और वोल्वो क्या है फिर मार्केट के काम की नहीं बचेगी, जैसे कोयल्स का काम बंद होता है अपना 1-2 साल 3 साल बाद, तो फिर अपन मार्केट में भी कोई काम करते हैं तो फिर वोल्वो यहाँ चलाने लायक नहीं है, तो फिर प्राइमा का प्राइमा? डिसाइड हुआ मेरा। अभी भी एक रिसेंटली प्राइमा लिए हूँ, लगभग लगभग 1 महीना होने को चला, वो वहीं चल रही है कोरो। और सारे अपने जो यार दोस्त हैं सब टाटा पे ही, सब सबका टाटा पे ही भरोसा है? ये भी मेरे मित्र की गाड़ी है, किशोर चौरसिया जी की। अच्छा, ये वाली? हाँ ये भी टाटा यूज़ करते हैं, इनके पास भी 6 गाड़ियाँ हैं। और उसमें तो वो थोड़ा सा जो डंपर वाली जो बॉडी आती है वो लेना पड़ेगी आपको, थोड़े पीछे की तरफ से ऐसी रहती है? नहीं वो प्राइमर सेम आ रही है, ऐसी ऐसी
सेम हाँ, खड़ा डाला इसका। इन्होंने अपना अच्छा खासा साम्राज्य जो है ट्रैकिंग में स्थापित करके रखा हुआ है। और इनकी जो कहानी थी, मतलब पहले ओनर मिले हैं जो ट्रक के बिजनेस से इतने ज्यादा सेटिस्फाई हैं। और ये बिजनेस में आपको वैसे तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग बताते हैं, बस लोगों की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ये होती कि यार कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इसमें ना बढ़े। तो गाइज ये था पूरा एक वीडियो, और अतुल भाई ने जो है सारी चीजें अच्छे से हमें बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कभी मौका लगा तो यही गाड़ियाँ आपको मेरे इस चैनल पे कोयले की खदान में चलती हुई दिखेगी, ठीक है, और वहाँ पे बढ़िया से इनकी लोड टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे। चलिए बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।